डिप्टी सीएम के सफाई को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के बयान पर सफाई दी है। तो एक तरफ खुलेआम नाराजगी कृषि मंत्री व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी ओर डिप्टी सीएम जो आरजेडी के नेतृत्व करता है फिलहाल, वो इस बयान को पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं भी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सबके कंधे पर जिम्मेदारी है और सभी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। नीतीश कुमार को टीम का कैप्टन कहा है तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि आप जो एंगल देना चाहते हैं ऐसा कोई एंगल नहीं है, कोई एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव ने शायद सुधाकर सिंह का वो बयान नहीं सुना है जिसमें सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा, मेरे अधिकारी चोर है विभाग के और मैं चोरों का सरदार। और इसके बाद सुधाकर सिंह के बयान के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का भी बयान आता है। उन्होंने भी कहा कि कैबिनेट की बैठक में जब बातचीत हुई तो भी वो उठकर चला गया, जब समस्या पूछना चाहा तो भी जवाब नहीं दिया, उठकर चला गया। तो कहीं से कुछ क्लियर तो नहीं है, दोनों नेताओं की दोबारी जंग बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें डिप्टी सीएम कंट्रोल डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। हम स्वास्थ्य विभाग हमारे जिम्मे हैं, हम अस्पताल गए कि नहीं गए कमी को दूर करने के लिए? तो हम लोग तो चाहते हैं जो कमी है उसको हम लोग दूर करें, और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ है, आगे और काम होगा, और वो महागठबंधन के नेता हैं, और कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अरे कोई किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सबके कंधे पे जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को निभाना है ईमानदारी से। और नीतीश कुमार जी हम मुख्यमंत्री हैं, टीम के कैप्टन हैं, तो हम लोग तो देख रहे हैं डेली कुछ ना कुछ हम लोग काम में लगे रहते हैं। सुना आपने यादव का बयान, तेजस्वी यादव ने सफाई पेश की, ऐसे सफाई ही कही, क्योंकि एक तरफ कृषि मंत्री खुद खुलेआम कह रहे हैं उनके विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, दूसरे दिन खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत नहीं की ठीक से, हमने तो पूछना चाहा लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरे तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है।